आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या, मैं बेहुदा सी जगह पर बच्चों सी ड्राइंग करती हुई नजर आ रही हूँ। तो जी, आज हुआ कुछ ऐसा कि मेरे दिल के अंदर का बच्चा जाग गया। सुबह की चाय का लुत्फ उठाते हुए मेरी नज़र पड़ी मेरे इस मग पर लिखे मेक आर्ट पर, और मैंने सोचा कि चलो भाई, वर्क सरफेस पर ही कुछ डूडलिंग शुरू हो जाए। तो ये मेरा वर्क सरफेस है जिस पर मैं छोटे आर्टवर्क्स क्रिएट करती हूँ। कुछ गंदा है, गंदा तो क्या, मेरे लिए तो अच्छा ही है क्योंकि इसमें पेंट के मार्क्स हैं, तो थोड़ा बेहुदा लग सकता है कुछ लोगों को। आज इच्छा हुई कि अपने दिल की कुछ बात कह दूं। तो देखिए, अगर आपके दिल में कोई भी सरफेस देखकर कुछ भी कला बनाने का मन कर जाए, तो आप ये सोच लीजिए, मान लीजिए, जान लीजिए कि आपका दिल एक ट्रू कलाकार का है। कला की कोई लिमिट नहीं होती है, चाहे आप जो भी क्रिएट कर पाएं, जैसा भी कर पाएं, उसका कोई मापदंड भी नहीं होता है। कला तो बस दिल से निकलनी चाहिए, चाहे विजुअल हो या परफॉर्मिंग आर्ट। कभी ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्या मेरी आर्ट गुड इनफ है। अपने खुद के लिए कुछ कला करके तो देखिए, फिर देखिएगा आपको मेडिटेशन सा मज़ा ना आ जाए तो कहिएगा। तो मेरी बात पहले वाली अधूरी रह गई। हुआ आज कुछ ऐसा कि चाय पीते वक्त ये वर्क एरिया दिखा, कुछ और बनाने का थॉट जगा नहीं था, तो ये वर्क एरिया ही मुझे इनवाइट करने लगा। मैंने सोचा इसी पर कुछ बना देते हैं। फिर सोचा क्यों ना थोड़ा बचपन रिलिव किया जाए। तो ये जो मैं बना रही हूँ, ये मेरे बचपन की एक ड्राइंग है जो मेरे जहन में हमेशा जिंदा रहती है। मैंने शायद सेकेंड या थर्ड क्लास में ये फ्लावर ड्रॉ करना सीखा था। और आप सोचते होंगे मेरे दूसरी आर्ट देखते हुए कि उसके हिसाब से क्या चाइल्डिश सा आर्ट वर्क है, बट ये मुझे एक अलग सा ही लुत्फ दे रहा है। आई डोंट नो व्हाई, यू नो, बचपन दोबारा जीने का जो मौका मिले उसको जी लो, छोड़ो मत। ये डूडल जब पूरा हो जाएगा तो शेयर ज़रूर करूँगी, देखिएगा, लाइक भी करिएगा और अपने कमेंट्स डालिएगा, कुछ तो रिस्पांस दे ही दीजिएगा। चलिए, बाय बाय।